मोनिका, आप अपना करियर एज अ डीजल मैकेनिक क्यों बनाना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? आपने यही फील्ड क्यों चूज किया? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है डीजल मैकेनिक पर, और आपको बताना चाहूंगा हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की थी कि सर डीजल मैकेनिक रिगार्डिंग टेक्निकल क्वेश्चंस, बहुत सी बातें ऐसी होती है इंटरव्यू के दौरान जो हमें नहीं मिलती है जल्दी से, तो बिल्कुल आप उस पर एक वीडियो बनाइए, मुझे एक इंटरव्यू देना है। यदि आपको भी दोस्तों कोई इंटरव्यू देना और आपको लगता है पीडी क्लासेस पर वो इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत से वीडियोस हमने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू, फिटर इंटरव्यू और मैकेनिक रिलेटेड और भी जॉब से हमने आपको अवगत करवाया है, कोपा इंटरव्यू इवन हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो मुझे उम्मीद है इन वीडियोस के द्वारा आप अपने आप को बहुत डेवलप कर रहे हो, और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू पर अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज के देख रहे हो, बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ सीख भी सके। तो चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज हमारा सेशन है, ये एक मॉक सेशन है, तो मोनिका सबसे पहले आप मुझे डीजल मैकेनिक का रोल अच्छे से बताइए। सर डीजल मैकेनिक ऑल्सो नोन एज अ डीजल टेक्नीशियन, इंस्पेक्टिंग द लाइटिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रिप्लेसिंग द व्हीकल इंजन्स, स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग सिस्टम्स, गेयर बॉक्सेस एंड ब्रेकिंग सिस्टम, इंस्पेक्ट एंड रिपेयर द बसेस एंड ट्रक्स, मेंटेन्स द टेस्ट ड्राइविंग व्हीकल्स एंड रिपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजल इंजन्स, टेस्ट द ड्राइविंग व्हीकल्स एंड मेंटेन द इन्वेंट्रीज, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस व्हीकल्स, मेंटेन्स द क्लीनिनेस इन शॉप्स एंड द ये बेस्ट कोर्सेज है मशीनरी और व्हीकल्स का, लाइक मोटर्स, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड एक्सेट्रा, मेंटेन्स द माल फंक्शनिंग पार्ट्स। ओके, स्किल्स क्या क्या चाहिए? कभी किसी को डीजल मैकेनिक बनना है, मैकेनिक में आना है, तो क्या स्किल्स क्या होनी चाहिए उसमें? सर बहुत सी स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है, डिप्लोमा और डिग्री हमारी मैकेनिकल में होनी चाहिए, या फिर हमारी डिग्री और डिप्लोमा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, ASE जो डीजल सर्टिफिकेशन है वो होना चाहिए, सर्टिफिकेशन, यस सर, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डायग्नोस्टिक स्किल्स, ITI गुड्स, गुड ITI स्किल्स होनी चाहिए, माल फंक्शन मटेरियल्स, टूल्स और जो भी रिपेयरिंग के सिस्टम्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस एंड जनरल मेंटेनेंस एंड HVAC की नॉलेज होनी चाहिए। क्या फुल फॉर्म क्या है HVAC की? सर इसकी फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, उनका पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य होता है? सर ताप डैम का कार्य होता है पिस्टन को ठंडा करना। ओके, उनका डीजल मैकेनिक काम कहाँ करते हैं? सर ये बहुत से फील्ड्स में वर्क करते हैं, ट्रक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड होलसेल ट्रेड्स, लोकल गवर्नमेंट वर्क्स एंड मैराइन इंडस्ट्रीज एंड खुद की शॉप्स खोल सकते हैं। ओके, स्पार्क प्लग किस इंजन में प्रयुक्त होता है? सर ये पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। इंजन के सिलेंडर कौन कौन से परक्रम द्वारा बनाए जाते हैं? सर ये ढिलाई परक्रम द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, क्रैक शॉफ्ट का कार्य क्या होता है? सर इसका कार्य होता है पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग की चाल को घूमने वाली चाल में बदलना। ओके, द मोशन ऑफ अ कैम इज ट्रांसफर्ड टू द वैल्यू थ्रू? सर इट इज रोकर आर्म्स। ओके, रोकर आर्म्स। द लोएस्ट टेंपरेचर एट व्हिच द ऑयल सीजेस टू फ्लो व्हेन कूल्ड इज नोन एज? सर नोन एज ए पोर पॉइंट। ओके, मोनिका, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल्स टू डिटरमिन? सर टू डिटरमिन क्रैक्स बिलो द सरफेस। ओके, पिस्टन रिंग्स सामान्यतः बने होते हैं किस-किस के? सर हाई ग्रेड कास्ट आयरन के बने होते हैं। ओके, मोनिका, व्हाट इज द सेल वोल्टेज फॉर फुली चार्ज कंडीशंस? सर इट इज 2 टू 2.3 वोल्ट। इंजन सिलेंडर के कितने वैल्यू होते हैं? सर इट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, नाम बताइए। इनलेट वाल्व्स एंड एग्जॉस्ट। यस। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी इज? सर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डीजल मैकेनिकल के हार्ट को क्या कहते हैं? सर ये इसके हार्ट को कहा जाता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ओके, मोनिका, ITI डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग में हम किन टॉपिक्स पे पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं? सर ITI डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग के दौरान हम बेसिक जो इलेक्ट्रिकल है उनके बारे में स्टडी करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रिमेनिंग फ्यूल सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन्स एंड बैटरी एंड अदर्स जो वेल्डिंग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है? सर ये बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे विजुअल और ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, ED करंट टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग एंड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेस्टिंग। चलिए, अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है? सर क्लास ए फायर में शामिल है। ओके, और छेनी का उद्देश्य क्या होता है? सर छेनी का उद्देश्य होता है चिपिंग। ओके, NCVT की फुल फॉर्म बताइए मुझे।
सर एनसीवीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। मुनिका आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके अंदर? सर माय स्ट्रेंथ आई एम जोवियल वर्सेटाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी। ओके मोनिका, आप अपना करियर एज अ डीजल मैकेनिक क्यों बनाना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन, आपने यही फील्ड क्यों चूज किया? सर मैंने डीजल मैकेनिक एज ए करियर इसलिए चुना क्योंकि मुझे मशीनरी के बारे में नए नए आइडियाज़ और थिंकिंग के साथ वर्क करना पसंद है, ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानना, उनके पार्ट्स मटेरियल्स के बारे में जानना बहुत पसंद है, बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनके साथ वर्क करना पसंद है। ओके आपकी कोई वीकनेस? सर माई वीकनेस आई नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश ग्रामर एंड नाउ डेज आई एम वर्किंग अपॉन इट। ओके आप जानते हैं कि इस जॉब के लिए आपको आपके रेजिडेंस पे जॉब नहीं मिलेगी, यू आर सपोज टू गो आउटसाइड, तो मैनेज कैसे करोगे, रहोगे कैसे, कैसे आप अपने आपको एडजस्ट करोगे? सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मुझे एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मेरी हॉबीज भी हैं, मुझे पसंद है और मुझे होम सिकनेस नहीं है। फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम। ओके मोनिका आप किस तरह लोगों के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं? सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी, बट आप रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट हैं वर्क को लेकर, टाइम के जो पाबंद है, और उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद नहीं करूँगी जो लेजी हैं अपने वर्क को लेकर। ओके मान लीजिए आपके सीनियर्स आपको ज़्यादा वर्क देते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? सर वो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हो सकता है उनके कुछ कहने से मेरे में इम्प्रूवमेंट हो, मेरे वीकनेस पर काम हो, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनका वर्क जो दिया होगा मैं उसे टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, बट फिर भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उन्हें कन्वे करूँगी। ओके और मोनिका मान लीजिए वर्किंग के दौरान आपको ज़्यादा प्रेशर मिलता है, तो इस बात को आप कैसे मैनेज करेंगे? सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर अननेसेसरी, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूंगी, और मुझे लगता है प्रेशर तभी होता है जब हम काम का बर्डन लेते हैं, और बर्डन तभी होता है जब हम किसी काम को डिले करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं अपने टाइम को टाइम पर अपने काम को कम्प्लीट करूंगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा प्रेशर आएगा सर। ओके मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एज ए डीजल मैकेनिक कोई और हाई पे करते हैं, तो क्या आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे? नो सर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, आई नेवर वॉन्ट टू प्ले रोल ऑफ रोलिंग स्टोन इन माई लाइफ। ओके और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हमसे? सर सैलरी डजेंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, मनी नॉट ए एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके वंडरफुल, मुनिका आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया और टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन बहुत अच्छे बताए, अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज मोनिका से पूछा था कि मोनिका हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं तो क्या आप हमारी कंपनी छोड़ देंगे? तो आप कह सकते हैं सर एज यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, वन इज जॉब एंड अदर इज मोनेटरी सेटिस्फेक्शन, एंड व्हेन बोथ दीज सेटिस्फेक्शन मूव्स पैरेलल देर इज नो रीजन ऑफ चेंज। सर जब तक ये दोनों पैरेलल चल रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन है सर वर्किंग के साथ, तो मैं चेंज क्यों करूंगा? सर इसके अलावा सर मैं बताना चाहूंगा सर आई डोंट वॉन्ट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन माई लाइफ। तो यदि आप इस तरीके की पंचलाइन से बात शुरू भी करते हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं इंटरव्यू के आगे। और दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा जब आप डीजल मैकेनिक के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस है पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वो आपका इंटरव्यू पूछेंगे। इंटरव्यू के दौरान आप कोशिश कीजिए अपने बारे में इंटरव्यूअर को बताइए, क्योंकि इंटरव्यूअर ज्यादातर आपके अंदर इंटरेस्टेड होता है बजाय इसके कि वो आपकी फैमिली के अंदर। मगर हम क्या गलती करते हैं, हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताते हैं, अपने बारे में कम बताते हैं, अपनी वीकनेस जरूर बताते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स कम बताते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इंट्रोडक्शन के दौरान आप अपनी वीकनेस कभी नहीं बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे, और कोशिश करेंगे अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। अब देखिए अपने बारे में भी हम क्या बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर आई एम वर्सेटाइल पर्सन, सर आई कैन एडजस्ट एनीवेयर। आप कॉम्पिटिटिव बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं आई एम ए फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है आप यूज कीजिए। सर आई एम ए फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी, इसका मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। आप कह सकते हैं आई एम ए जॉवियल पर्सन, सर इसका मीनिंग होता है मैं अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता, यानी कि मैं प्रसन्नचित व्यक्ति हूँ। आप ये भी कह सकते हैं टीम स्पिरिट पर्सन, टीम स्पिरिट का मतलब हो गया दोस्तों सारा श्रेय खुद नहीं लेना, मिल बांट कर रहने में विश्वास करना। आप कह सकते हैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी, सर वर्सेटाइल का मीनिंग हो गया दोस्तों कि मैं हर जगह इजीली एडजस्ट हो जाता हूं। तो यदि आप इस तरीके के वर्डिंग्स यूज करते हैं और साथ में अपनी स्ट्रेंथ देते हैं लास्ट में, आप कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, पंक्चुअल हूं, ऑनेस्ट हूं, क्रिएटिव हूं, डिटरमिन्ड हूं, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप इस तरीके की बातें बोलते हैं और इंटरव्यूअर को इंप्रेस करते हैं। तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर को चांस मिलता है, उसको अच्छा फील होता है कि यस सर ये जो कैंडिडेट है ना ये सबसे हटके, तो वो आपको सिलेक्शन जरूर देगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो। फिर भी आपको कोई लगता है दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको हमने अभी तक नहीं दिया है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वीडियो बनाएंगे। और यदि इस पर्टिकुलर मैकेनिक जॉब में भी आपको कोई क्वेश्चन हैम्पर कर रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है इस वीडियो के अंदर नहीं मिला आपको, तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देने के लिए।
मोनिका ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया कि बेटा ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू मोनिका। थैंक यू सर। नाइस मीटिंग यू।